अरुण गोविंद सर ने अपना फिल्मी करियर की शुरुआत सन 1977 ईस्वी में आई मूवी पहेली से किया था। इस मूवी में अरुण गोविंद, नमिता चंद्रा, दुर्गा खोटे, सत्यजीत पुरी, लीला मिश्रा थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। सन 1989 ईस्वी में अरुण गोविंद सर की दूसरी मूवी सावन को आने दो रिलीज हुआ। इस मूवी में अरुण गोविंद, जरीना वहाद, रीता बहादुरी, अमरीश पुरी, लीला मिश्रा थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इसी साल अरुण गोविंद सर की तीसरी मूवी सांच को आंच नहीं रिलीज हुआ। इस मूवी में अरुण गोविंद, मधु कपूर, ओम शिवपुरी, उर्मिला भट्ट, मधु शाह थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। इसी साल अरुण गोविंद सर की चौथी मूवी राधा और सीता रिलीज हुआ। इस मूवी में अरुण गोविंद, राजेंद्र नाथ, सविता बजाज, लीला मिश्रा, मदन पुरी थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। सन 1980 ईस्वी में अरुण गोविंद सर की पांचवी मूवी जुदाई रिलीज हुआ। इस मूवी में अरुण गोविंद सर, जितेंद्र, रेखा, देवन वर्मा, अशोक कुमार थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। सन 1980 ईस्वी में अरुण गोविंद सर की छठी मूवी गंगा धाम रिलीज हुआ। इस मूवी में अरुण गोविंद, नमिता चंद्रा, शक्ति कपूर, राज मेहरा थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। सन 1981 ईस्वी में अरुण गोविंद सर की सातवीं मूवी जियो तो ऐसे जियो रिलीज हुआ। इस मूवी में अरुण गोविंद, विजय अरोरा, नीलम मेहरा, गोगा कपूर थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इसी साल अरुण गोविंद सर की आठवीं मूवी इतनी सी बात रिलीज हुआ। इस मूवी में अरुण गोविंद, मौसमी चटर्जी, मदन पुरी, उर्मिला भट्ट, रुपेश कुमार थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इसी साल अरुण गोविंद सर की नौवीं मूवी श्रद्धांजलि रिलीज हुआ। इस मूवी में अरुण गोविंद सर, राखी गुलजार, सुरेश ओबेरॉय, मधु कपूर, मनिक दत्त थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। इसी साल अरुण गोविंद सर की दसवीं मूवी कमांडर रिलीज हुआ। इस मूवी में अरुण गोविंद, मधु कपूर, अमजद खान, विकास आनंद थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। सन 1982 ईस्वी में अरुण गोविंद सर की 11वीं मूवी गुमसुम रिलीज हुआ। इस मूवी में अरुण गोविंद, मधु कपूर, शक्ति कपूर, पद्मा खन्ना थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। इसी साल अरुण गोविंद सर की 12वीं मूवी आयास रिलीज हुआ। इस मूवी में अरुण गोविंद, रति अग्निहोत्री, सुजीत कुमार, मदन पुरी, बीना बनर्जी थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। सन 1982 ईस्वी में अरुण गोविंद सर की 13वीं मूवी ससुराल रिलीज हुआ। इस मूवी में अरुण गोविंद, साधना सिंह, भरत भूषण, गुलशन ग्रोवर थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। सन 1983 ईस्वी में अरुण गोविंद सर की 14वीं मूवी हिम्मत वाला रिलीज हुआ। इस मूवी में जितेंद्र, अरुण गोविंद, श्रीदेवी, कादर खान, सोमा आनंद थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। सन 1983 ईस्वी में अरुण गोविंद सर की 15वीं मूवी जस्टिस चौधरी रिलीज हुआ। इस मूवी में जितेंद्र, श्रीदेवी, कादर खान, अरुण गोविंद, शक्ति कपूर थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इसी साल अरुण गोविंद सर की 16वीं मूवी कालका रिलीज हुआ। इस मूवी में शत्रुघ्न सिन्हा, अरुण गोविंद, राज बब्बर, रामेश्वरी, अमजद खान थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। सन 1984 ईस्वी में अरुण गोविंद सर की 17वीं मूवी आसमान रिलीज हुआ। इस मूवी में अरुण गोविंद, राजीव कपूर, माला सिन्हा, रजनी शर्मा थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इसी साल अरुण गोविंद सर की 18वीं मूवी राम तेरे देश रिलीज हुआ। इस मूवी में अरुण गोविंद, अशोक कुमार, प्रेम चोपड़ा, शबाना आजमी, निरूपा रॉय थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। सन 1985 ईस्वी में अरुण गोविंद सर की 19वीं मूवी कर्म युद्ध रिलीज हुआ। इस मूवी में अरुण गोविंद, मिथुन चक्रवर्ती, अनीता राज, अमरीश पुरी, परवीन बॉबी थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई।
सन 1985 ईस्वी में अरुण गोविंद सर की 20वीं मूवी दो दिलों की दास्तान रिलीज हुआ। इस मूवी में संजय दत्त, अरुण गोविंद, पद्मिनी कोल्हापुरी, काजल किरण, शक्ति कपूर थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। सन 1985 ईस्वी में अरुण गोविंद सर की 21वीं मूवी युद्ध रिलीज हुआ। इस मूवी में जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, अरुण गोविंद, शत्रुघ्न सिन्हा, टीना अंबानी थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। अरुण गोविंद सर की आगे की मूवी लिस्ट दूसरे वीडियो में बताएंगे।